आज बुंदेलखंड दौरे पर सीएम योगी बांदा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 3 दिन के कॉलिंजर महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित। बरेली दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। संघ पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम, उसके अलावा शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर चर्चा। आज सीतापुर के दौरे पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, संगठन को मजबूत करने पर करेंगे मंथन। आज से पुलिस रिमांड पर अब्बास की पत्नी निखत अंसारी, 3 दिन तक निखत और उसके ड्राइवर से पुलिस करेगी पूछताछ, चित्रकूट जेल से बाहर लाकर किए जाएंगे सवाल जवाब। सोलंकी ब्रदर्स की अर्जी पर आज कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। आरोपी मुक्ति की अर्जी पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। अब तक इरफान पर गैंगस्टर समेत कुल 17 मुकदमे दर्ज। विधायक जाने के बाद अब्दुल्ला का वोटिंग अधिकार छीनने की मांग, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर को पत्र लिखकर की मांग। रामचरितमानस विवाद के बीच सपा ने दो का नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता, रोहिणी तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निकाला। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद दोनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खोला था मोर्चा। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल के बाद पोस्टर वार लगातार जारी, सपा कार्यालय के सामने लगाए गए पोस्टर में लिखा, मानस में कुम्हारों का अपमान करने वाले चौपाइयों पर लगे बैन, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने लगाई है तस्वीर। यूपी में अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव, पिछड़ा वर्ग आयोग ने 46 जिलों का दौरा पूरा किया, इसी महीने सौंप सकता है रिपोर्ट, रिपोर्ट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। औरैया में 12वीं की परीक्षा देकर घर जा रहे छात्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में घायल हुआ छात्र अस्पताल में इलाज जारी, गुलहरिया गांव के पास हुआ हादसा। मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंट की हत्या का मामला, शहर के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एसएसपी से की मुलाकात, जल्द हथियारों को पकड़ने की मांग की, खुलासा न होने पर सीएम से मुलाकात की बात कही। प्रतापगढ़ के कुंडा में परीक्षार्थी छात्रा पर जानलेवा हमला, परीक्षा केंद्र से घर जाते वक्त छात्रा पर की गई फायरिंग, हमले में बाल बाल बची छात्रा, राजा भैया के डिग्री कॉलेज में परीक्षा देकर घर जा रही थी छात्रा। मऊ में अंतिम संस्कार से लौट रहे वाहन सवारों की दूसरी गाड़ी से टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 11 घायलों का इलाज जारी। कुशीनगर में संविदा कर्मी ने पडरौना नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और उनके भाई पर लगाया मारपीट का आरोप, घर पर फाइल मांगे लेने जाने पर मारपीट का आरोप। फरुखाबाद में करोड़ों के घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी, ओपीआईएमटी मैनेजमेंट कॉलेज सहित कई जगह छापेमारी, वित्तीय अनियमितताओं और कौशल विकास योजना में 1 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी को लेकर छापेमारी। पीलीभीत में नहर की पटरी पर घूमते बाघ का वीडियो वायरल, बाघ की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल, सूचना पर वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में 4 और लोगों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जमानत पर पहले ही रिहा हो चुका है मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा। मुजफ्फरनगर में हनी ट्रैप का खुलासा, पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को पकड़ा, एक शख्स को बंधक बनाकर मांगी थी 5 लाख की रंगदारी। वाराणसी में बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अदालत से की मांग, 2002 में खुद पर हुए हमले के मामले में आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग, एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही देने आए थे धनंजय। गाजीपुर में एक्शन मोड में दिखे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, लखनऊ जाते वक्त गिट्टी से लदे ट्रक को रोका, गाड़ी के कागजात भी चेक किए। गोरखपुर में हिमाचल प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने लिया नियुक्ति पत्र, 18 फरवरी को शिमला जाएंगे शिव प्रताप शुक्ला। सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर संभल से सपा सांसद बर्क ने कसा तंज, कहा वो गलत बात कर रही हैं, भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना रहेगा। कानपुर देहात में मां और बेटी की मौत के मामले में सियासत जारी, पीड़ित परिवार से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, ब्रजलाल खाबरी नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे ने परिवार को दिया भरोसा। शामली में चेकिंग अभियान के लिए गई विद्युत विभाग की टीम पर दबंगों ने किया हमला, मारपीट में 2 विद्युतकर्मी घायल, सीएचसी में कराया गया भर्ती। नोएडा सेक्टर 9 में सीएनडी वेस्ट से भरा ट्रक पलटा, मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमरोहा में फर्नीचर दुकान में लगी आग से मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर पाया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। बरेली में बोर्ड का एग्जाम देकर घर वापस आ रहे छात्रों को डग्गा मार बस ने रौंदा, हादसे में 1 छात्रा की मौत, 2 घायल।
आगरा के मलपुरा में अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार, पेपर देने जा रही छात्रा को हादसे में मौके पर ही हुई मौत। मौके पर पहुंच के परिजन पहुंचे, 3 से 4 किलोमीटर तक लगा रहा जाम। रामनगर में पश्चिमी वन जोन के जंगल में घायल बाघ का वीडियो हुआ वायरल, पर्यटकों ने बनाया वीडियो, अधिकारियों में मचा हड़कंप, घायल बाघ को चलने में हो रही परेशानी, रेस्क्यू में जुटा विभाग। हरदोई के अरवल में हॉरर किलिंग की वारदात का खुलासा, मृतका के चचेरे ताऊ ने चाचा और उसके सगे साथ मिलकर के भाई के साथ मिलकर की थी हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। देहरादून के विकासनगर में पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ पति की हत्या की, पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया हादसा, शव और बाइक को खाई में फेंका, सभी आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री पहुंचे मेडिकल कॉलेज, महिला और पुरुष विंग में किया स्थल निरीक्षण, मरीजों से जाना हालचाल। कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर सड़क पर उतरे ब्राह्मण समाज के लोग, अग्निकांड के आरोपियों के खिलाफ किनारेबाजी, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मदरसों पर दिए गए बयान पर सपा नेता एसटी हसन ने साधा निशाना, कहा उनका बयान 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए दिया गया बयान है। मथुरा पुलिस ने किया एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा, गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया, चोरों ने 10 फरवरी को दी दुकानों में दी थी चोरी की वारदात को अंजाम। कानपुर अग्निकांड को लेकर कानपुर देहात पहुंचा सपा का एक प्रतिनिधिमंडल, कानपुर देहात के मृतकों के परिजनों से मिले, मंडोली गांव पहुंचे सपा नेता। छतरपुर के बागेश्वर धाम में फिरोजाबाद की महिला नीलम की हुई मौत, महिला के पति ने पुलिस को पत्नी की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार, कहा पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से मिलने नहीं दिया। जमियत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक राव मुशरफ अली ने दिया तीखा प्रहार, कहा ओम सर्वोपरि है, इसकी किसी से नहीं हो सकती तुलना। अंबेडकर नगर में युवक की मौत के बाद परिजनों का अंतिम संस्कार करने से इनकार, आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं परिजन, कहा गिरफ्तारी के बाद ही करेंगे अंतिम संस्कार। कानपुर में खून से रसनी उर्दू में लिखी चिट्ठी लेकर पहुंचा कबूतर, गांव में खूनी खत को लेकर मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने कबूतर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे विवादित पोस्टर पर भड़के संत, पोस्टर में रामचरितमानस से विवादित चौपाइयां हटाने और मानस बैन करने की मांग, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल। कानपुर देहात के मंडोली गांव में पीड़ित परिवार से सपा प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात, कहा पीड़ितों के साथ खड़ी है सपा, गरीब के घर को गिराना उचित नहीं। आगरा में दीप्ति शर्मा के परिवार में खुशी की लहर, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले महिला T20 मैच में दीप्ति शर्मा बनी मैन ऑफ द मैच, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। यूपी भाजपा संगठन में बदलाव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिए संकेत, इसी महीने के आखिर में संगठन का पुनर्गठन होने के आसार, नए युवाओं के साथ पुराने लोगों को भी दी जा सकती है जगह। भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता, श्रावस्ती में निकालेंगे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष बृजराज खाबे भी यात्रा में होंगे शामिल। कानपुर देहात में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता बृजलाल खाबरी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने की मुलाकात, मटौली गांव पहुंचकर मां बेटी की मौत हुई थी जहां वहां पहुंचे परिजनों से मुलाकात की। इटावा में सीएम योगी के बयान पर रामगोपाल यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा किसी के कहने से देश नहीं होगा हिंदू राष्ट्र, सभी लोग देश में मिलजुल कर रहते हैं। अमरोहा में चलती कार की विंडो से लटक कर युवक ने किया स्टंट, बाइक सवारों ने भी जमकर मचाया हुड़दंग, देहात थाना क्षेत्र के कैंसर रोड का मामला। सीतापुर में आवास न मिलने से परेशान पीड़ित पेड़ पर चढ़ा, पिछले कई दिनों से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा था युवक, पीड़ित को मनाने में जुटे हैं इंस्पेक्टर। फीस बढ़ोतरी को लेकर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन जारी, प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों में हुई नोकझोंक। आगरा में शाहजहां के 368वें उर्स का विरोध शुरू, अखिल भारत हिंदू महासभा ने एएसआई कार्यालय के बाहर दिया धरना। मथुरा के वृंदावन में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी, नौकर पर हत्या करने की आशंका, नौकर दंपति घर से हुए फरार, घर में काफी सामान और स्कूटी गायब। श्रावस्ती में हाईस्कूल की छात्रा का शव नहर में मिला, पिता ने जताई हत्या की आशंका, बोर्ड परीक्षा की एडमिट कार्ड लेने गई थी छात्रा, थाना गिगलौला के हरिपुर सरयू नदी नहर का मामला। फरुखाबाद में दबंग पति ने पत्नी की गोली मार करके हत्या, वारदात करने के बाद पति बाइक से हुआ फरार, थाना के मोहल्ला गड़ी अशरफ अली की वारदात।
प्रतापगढ़ की सई नदी में तैरता मिला ज्ञात शव, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। हत्या कर शव ठिकाने लगाने की आशंका। पट्टी कोतवाली के पट्टी रानीगंज मार्ग का मामला। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर पृथ्वी शाह और उनके दोस्तों पर हुए हमले के मामले में एक वीडियो आया सामने। पृथ्वी शाह पर सपना गिल ने मारपीट का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर ओचिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। छतरपुर में बाबा धाम पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा भारत हिंदू राष्ट्र ही है। पंजाब के अमृतसर से 100 हिंदुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना, हर साल पाकिस्तान के कटासराज मंदिर जाते हैं श्रद्धालु। कर्नाटक के कुलबर्गी में शिवरात्रि से पहले पुलिस का रूट मार्च, आनंद शहर में सुरक्षा कड़ी की गई। पिछले साल शिवलिंग की पूजा के बाद हुई थी झड़प। हरियाणा में पंचकुला के खेतरी शिव मंदिर में इस बार भांग का प्रसाद न बांटने की अपील। भांग का प्रसाद लेने के बाद इस रास्ते पर होते हैं सड़क हादसे। शिवरात्रि से पहले नेपाल के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया गया। भारत के 2500 संत भी पहुंच रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका, राज्य में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्ना लक्ष्मी नारायण ने छोड़ी पार्टी। मेघालय में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, कहा 50 साल में यहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। असम में 5 नए मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। अमृतसर में पीएनबी बैंक से बंदूक की नोक पर 22 लाख की लूट, दिन दहाड़े 2 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। राजस्थान और मध्य प्रदेश में गीतांजलि ग्रुप और ज्ञानचंद अग्रवाल ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा, रियल एस्टेट और माइनिंग से जुड़े हैं ग्रुप। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों के निशाने पर आम नागरिक, श्रीनगर में राजस्व विभाग के कर्मचारी पर फायरिंग, बाल बाल बची जान। बिहार के सिवान में किन्नरों ने किया प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया जबरन वसूली और परेशान करने का आरोप। झारखंड के पलामू में 2 समुदायों में झड़प, घरों दुकानों और गाड़ियों में जमकर हुई तोड़फोड़, आगजनी, धारा 144 लागू। दिल्ली के निकी हत्याकांड में आरोपी साहिल को वारदात वाली जगह लेकर गई पुलिस, साहिल पर अपने लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप। निकी हत्याकांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट, कहा लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, श्रीनगर के पंथा चौक पर बनेगी बाबा अमरनाथ धाम की रेल। कल 12 और चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे, चीतों को लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान रवाना। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारतीय सेना ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया आयोजन, नशा मुक्ति के लिए लोगों को किया गया जागरूक। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में वकीलों की हड़ताल, सुल्तानपुरी में एक वकील पर हुई फायरिंग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप। दिल्ली पुलिस को मिली खास फॉरेंसिक मोबाइल वैन, अब क्राइम सीन पर तुरंत पहुंचेंगी फॉरेंसिक टीम। तेलंगाना के भुवनगिरी में भीषण सड़क हादसा, ऑटो में तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर, ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत। जापानी सेना ने तालियां बजाकर इंडियन आर्मी का किया स्वागत, जापान में भारत जापान की सेनाएं करेंगी धर्म गर्जन सैन्य अभ्यास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।